एक नया सेलर गलत प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और डायमेंशंस की वजह से बहुत नुकसान उठाता है एक साथ। कैसे कि शुरू शुरू में जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का डायमेंशन, एक रैंडम डायमेंशन जो है वो लिख देंगे लिस्टिंग के अंदर, और जब हमें ऑर्डर आएगा तो हम उसे शिप करके भेज देंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स से ये एक बॉक्स है जिसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसे आप पैक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने एक 250 ग्राम का प्रोडक्ट रख दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप में से कई लोगों को वॉल्यूमेट्रिक वेट का पता होगा और कईयों को नहीं पता होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक तक ही बात नहीं है, आगे भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बहुत काम की हो सकती है आप लोगों के लिए। आपका पैसा बच सकता है क्योंकि वेट ऑडिट रिपोर्ट में लोगों के हज़ारों रुपये एक साथ ये मार्केट प्लेसेस उड़ा देते हैं गलत शिपिंग वेट डालने की वजह से, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है ना, दिस इज, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसे विड्थ कहा जाता है, ठीक है। ये विड्थ होता है और इस साइड वाला जो हिस्सा होता है ना इसे लेंथ कहा जाता है। अब ये बड़ा भी हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कईयों के ये हिस्सा इतना बड़ा होता है और ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है, मतलब ये हिस्सा छोटा होता है और ये हिस्सा बड़ा होता है, कई केसेस में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है विड्थ कहा जाता है, इसको लेंथ कहा जाता है और इसको हाइट कहा जाता है, ठीक है। एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच डिवाइड बाय 5000 आप करोगे तो आपको आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट मिल जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम इंच टेप की मदद से इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ओके। अब अगर मैं लेंथ की बात लेता हूं तो लेंथ है इसकी करीब 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद इसकी विड्थ लेंगे तो लेंथ तो होगी 22, विड्थ हो जाएगी इसकी करीब करीब 22 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 19 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम जाते हैं कैलकुलेटर के ऊपर और कैलकुलेटर पे अगर हम देखेंगे तो लेंथ थी 22, विड्थ भी थी 22 और इसकी जो हाइट थी वो थी 19। इसको हम करते हैं तो ये होता है 9196 डिवाइड बाय 5000, ठीक है। तो ये आता है 1.8392, यानी कि इसका जो वेट, वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रहा है इस पर्टिकुलर बॉक्स का, वो आ रहा है करीब करीब 1.8 kg का, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम्स का है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बॉक्सेस का यूज करना है कि आपका पैसा वेस्ट ना हो जाए इसकी वजह से। और इसी तरीके से लोग गलती कर लेते हैं जब वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को Amazon और Flipkart पर ले जाकर ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिस्टिंग करनी है सो देट आपके प्रोडक्ट के अंदर भी जो है ना ये प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको जो भी प्रोडक्ट की जो आप जो डायमेंशंस डालेंगे लिस्टिंग के अंदर वो आपके पैकेज की डायमेंशन डालनी है। प्रोडक्ट की डायमेंशन को Amazon Flipkart कंसिडर इतना नहीं करते, वो कंसिडर करते हैं जो प्रोडक्ट आप डिस्पैच करेंगे, जिस भी पैकेज, चाहे वो पॉली बैग में हो या फिर किसी बॉक्स के अंदर हो, तो आपको उस हिसाब से करना है। क्योंकि कई बार प्रोडक्ट तो इतना सा होता है लेकिन बॉक्स हम इतने बड़े बड़े लेकर आ जाते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं और बाद में जाके हमको इसका जो है नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ और आपको कहाँ पर जाकर इन चीज़ों का ध्यान करना है Amazon Flipkart पे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये अब जैसे कि ये Flipkart की साइट है, आपको लिस्टिंग में आना है, माई लिस्टिंग में आना है, ठीक है ना। माई लिस्टिंग में आने के बाद जो भी आपकी लिस्टिंग्स होगी उसमें यहाँ पर आपको एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्टिंग खुल जाएगी, आपको नीचे आना है। अब ये जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पैकेजिंग डिटेल्स, उन्होंने प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं लिखा, उन्होंने पैकेजिंग डिटेल्स लिखा है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 32 सेंटीमीटर्स, 22 सेंटीमीटर्स, इसकी जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर और इसका जो वेट है वो बताया है 0.15 kg, यानी कि 150 ग्राम्स, राइट। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना वेट आता है, क्योंकि देखिए इसका जो डेड वेट है वो है 150 ग्राम का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 32 × 22, ठीक है, × 2 इज इक्वल टू 1408 डिवाइड बाय 5000, तो इसका 281 ग्राम्स जो है ना वो वेट आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक वेट, ठीक है। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है, वॉल्यूमेट्रिक वेट जो कुरियर शिपिंग होगी इधर से उधर वो कितना है वो मायने रखता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको एडिट में जाके यहाँ पर आके आपको अपने प्रोडक्ट की जो है बिल्कुल सही से डिटेल्स लिखनी है। अब बात आती है Amazon की, अगर आप Amazon की बात करते हैं तो Amazon के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ आना है, इन्वेंट्री पे आना है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करना है,
जैसे ही आप मैनेज ऑल इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे और यहां आने के बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने Amazon की वेबसाइट खुलेगी और सबसे लास्ट ऑप्शन पे जाना है आपको, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जो है मोर डिटेल्स। जैसे ही आप मोर डिटेल्स पे आएंगे और नीचे ड्रैग डाउन करेंगे, देखो यहां पर भी दो चीजें हैं, आइटम डायमेंशन और पैकेजिंग डायमेंशन। यहां देख सकते हैं यहां पर आइटम डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर कुछ नहीं है, ब्लैंक है। लेकिन यहां पर 18 और 4 सेंटीमीटर और ग्राम कितना दे रखा है, 180 ग्राम्स, राइट। अब अगर मैं इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालता हूं तो यहां पर आपके सामने जो वॉल्यूमेट्रिक वेट आएगा इसका, वो आएगा 18 × 18 × 4 डिवाइड बाय 5000, तो है 259 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन 180 ग्राम्स है यहां पर इसका पैकेज का वेट और जो इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रहा है वो आ रहा है 259 ग्राम। अगर आप यहां पर ये चीजें सही से नहीं डालते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ये कंपनीज क्या करती है कि ये सारे प्रोडक्ट की जो है ना एक तरीके से चेकिंग करती है कि इनकी जो शिपिंग चार्जेस, जो शिपिंग हो रही है, क्या वो रियल है कि नहीं है। इसीलिए अभी रिसेंटली Amazon ने एक बहुत सारे अपनी तरफ से ऑर्डर्स डालने शुरू किए थे MLL नाम से और योगा नाम से, आई गेस तो योगा नाम से, इसके नाम से। तो लोगों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि यार ये फेक ऑर्डर्स Amazon क्यों डलवा रहा है, प्रोडक्ट जो है मंगा के रिटर्न कर देता। वो लोग सिर्फ आपके डायमेंशंस को और आपके प्रोडक्ट के वेट को चेक करते हैं और आपको जो शिपिंग चार्जेस लगती है वो रिइम्बर्स भी कर देते हैं। रिइम्बर्समेंट कैसे किया, क्या किया, उसके लिए ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल पे, आप जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये ध्यान रखेंगे कि आपने जो डायमेंशंस डाले वो सही डाले हैं तो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए ये फेक ऑर्डर्स की वजह से सब ये ऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए गए, जिन जिन लोगों ने एक एक किलो के प्रोडक्ट को 500 ग्राम में बेचा है उनसे उन्होंने एक साथ में वेट ऑडिट रिपोर्ट से सारा का सारा वसूल लिया। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग देखिए, दिमाग लगाइए, खुद सोचिएगा ये बात लॉजिकल है या नहीं और मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप एक प्रोडक्ट लाते हैं जिसका वेट है 650 से 700 ग्राम, क्योंकि इनके जो स्लैब्स होते हैं ना वो 500 ग्राम्स के होते हैं, जैसे 500 ग्राम है प्लस 500 ग्राम काउंट करते हैं, जैसे 500 ग्राम का 80 रुपया एक बात है, तो हम अगले 500 ग्राम के जो होगा उसमें 25 रुपये ऐड करेंगे प्लस GST लगाएंगे या 50 रुपये ऐड करेंगे प्लस GST लगाएंगे, ऐसा करते हैं ना। अब क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट पे खूब मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की, उसे बहुत अच्छे रिव्यूज़ लाए, अब आपको ये कंपनीज कह रही है कि अभी जो आपकी सेल है Amazon और Flipkart कह रही है कि अभी आपकी सेल, जैसे आप दिन के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 50 पीस बेचते हैं, आप हम हमारे वेयरहाउस पे आपका माल रखवाते हैं और इसके हम 150 पीस बिकवाएंगे एवरीडे, आप क्या कहोगे, यार ये तो मज़ा आ जाएगा, हमारी सेल बढ़ जाएगी। लेकिन जो गलती आपने शुरू में की थी कि जो 650-700 ग्राम का प्रोडक्ट था उसके आपने 450 या 400 ग्राम लिखे हुए थे, वो जैसे ही वेयरहाउस पे जाएगा उसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा और आपके वेट की ऐसी की तैसी हो जाएगी और आपका जो पैसा कमीशन जो आप कैलकुलेशन लेके चल रहे थे ना वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो शुरू से ही अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं ना तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप जितने भी स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि हमें नहीं किसी को पता चलेगा, एक साथ एक्सेल शीट आती है, ऑर्डर आईडी आती है, 10-10, 20-20, 30-30, यहाँ तक कि 40-50 हज़ार रुपये भी मैंने डिडक्ट होते हुए देखे हैं, सेलर को कंप्लेंट करते हुए देखा है कि हमारा वेट ऑडिट रिपोर्ट में 50,000 काट दिया, 40,000 काट दिया। तो यही होता है कि भाई साहब अगर आप पहले ही इस चीज़ का ध्यान रख लेते तो ये चीज़ नहीं होती, राइट। तो आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको भी इन प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में फेस नहीं करना पड़ेगा। सो अब दोस्तों, अगर आप Amazon का हमारा जो कोर्स है, अगर आप Amazon का कोर्स एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फ्री में सीखना चाहते हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, वो थोड़ा बेसिक है जो प्लेलिस्ट में बताया गया है, और कोर्स है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं साइड में दे रहा हूँ। इस पूरी प्लेलिस्ट को देख के भी आप Amazon पे सेल करना काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।